Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing general awareness for SSC, CGL and CHSL. These are the most 25 most important questions. So without wasting any further time, let's move on to the first question, which says acid rain is caused by. So it is caused by sulfur dioxide and nitrogen oxide, SO2 and NO2. ठीक है, तो ये दो कंपाउंड जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्ट करता है तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और यही जब रेन में मिक्स होता है जब पानी से तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, इसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये दोनों फॉर्म में जब वो गिरता है तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह में काफ़ी हार्म करता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना पहला वर्षा या फिर फर्स्ट रेन में नहाने के लिए नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारा हैम्पर होता है। एसिड रेन से नहाने में क्या होता है, कभी अगर दांत में लगा तो दांत को सड़ा देता है, ऑलमोस्ट तोड़ देता है। तो ये रहा एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड सबसे ज़्यादा कौन से ओशियन में होता है, तो ये जो है अटलांटिक ओशन में होता है। इसका आंसर है अटलांटिक ओशन। ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट माना जाता है, बिजी है ना, क्यों? क्योंकि ये जो ओशन है ये अमेरिका का यूरोप और अफ्रीका से लिंक करता है। ठीक है, अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, ये तीन बड़े बड़े पॉइंट्स में ये लिंक रहता है, मतलब कि यूरोप और अफ्रीका से। मेन बात यही है बताने का, यूरोप टू अफ्रीका ये लिंक रहता है, मतलब इस ओशियन के थ्रू यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप हम लोग आना जाना कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ बिजिएस्ट रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अफ्रीका, अफ्रीका में काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है। हम लोग जानते हैं ब्राज़ील में, जो कि अफ्रीकन साउथ अमेरिकन है, सॉरी ये तो ये अफ्रीकन हो गया, ये अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है वो है, अफ्रीका में भी काफ़ी क्रॉप्स वगैरह ग्रो होता है जो कि यूरोप में आता है और यूरोप से फिर अफ्रीका में जाता है। तो ये बिजिएस्ट ओशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अनाई मुदी पीक इज लोकेटेड इन। तो इसका दो तीन आंसर होता है, कभी आंसर में आपको बोलेगा पालनी हिल्स, कभी बोलेगा कि वेस्टर्न घाट्स, तो दोनों आंसर सही है। पालनी हिल्स अगर बोला ऑप्शन में मौजूद है तो पालनी हिल्स भी आपका करेक्ट है, और अगर वेस्टर्न घाट्स पूछ बोल रहा है तो ये भी सही है। ये वेस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये भी आप याद कर रख सकते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनाई मुदी को बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको, नाम स्पेलिंग ये रहा टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। ठीक है, ये सही रहेगा, थोड़ा आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और ये जो वीडियो इतना दिन बाद, दो तीन दिन बाद आप देखते होंगे कि इतना दिन बाद अथर भाई यूज़ कर रहे हैं या फिर वीडियो दे रहे हैं, तो थोड़ा माई हेल्थ इज़ नॉट फिट, आई एम नॉट 100% फिट, बट नेवरदलेस आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू फॉर दी SSC CGL एंड CHSL विच इज़ गोइंग टू बी एट, मतलब अगले महीने तक या उसके बाद महीने में होने का चांसेस है SSC CGL और CHSL, इसीलिए मैं सोचा कि करा दूँ ये वाला। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एरेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये स्टडी होता है स्पाइडर्स का, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। अगर आप इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमसे पूछिएगा तो इस इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू में लॉजी वर्ड जो है, ये लॉजी जो है ये एक रूट वर्ड है। इंग्लिश में अगर हम लोग रूट वर्ड पहचानना सीख ले तो क्या होता है कि
मैक्सिमम वर्ड्स का स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। इस लॉजिक का माने होता है स्टडी, स्टडी किसी भी चीज़ का स्टडी। अब यहाँ आर्नियोलॉजी आया तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स हो गया। इसी तरीके से अगर आर्कियोलॉजी आता है, आर्कियोलॉजी जो कि ओल्ड प्रोडक्ट्स का स्टडी करता है, मतलब पुरानी चीज़ों का, एंटिक्स का। इसी तरीके से पोमोलॉजी एक होता है, पोमोलॉजी, लॉजी माने वह स्टडी ऑफ, और ये है फ्रूट्स। बहुत सारा होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, ठीक है। लॉजी वर्ड जब भी कभी भी यूज होगा वो स्टडी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हु सेड अ स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स। तो ये वर्ल्ड के काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है लस्की, उन्होंने ये बात कहा था। उन्होंने इसका काफ़ी बड़ा वर्जन बोला था। क्या बोला था मैं बता रहा हूँ, लस्की ने कुछ इस तरह से कहा था कि एक सेकंड, हाँ, लस्की ने कहा था राइट्स आर दोज कंडीशंस, राइट्स जो है हमारा वो कंडीशन है ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। और ये ऐड करता है इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू मेंटेन राइट्स एंड दैट एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स। तो हर स्टेट उसी नाम से जाना जाता है, या उसी अगर एक स्टेट को जाना जाए तो वो उसके राइट्स के वजह से ही जाना जाता है। तो ये लस्की ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज। चंद्रगुप्ता मौर्य जब मौत के करीब थे तो वो अपना लास्ट डेज कहाँ पर गुजार रहे थे, वो जगह का नाम है श्रवणा बेगोला, श्रवणा बेगोला, श्रवण बेगोला। यहीं पर एक बहुत ही बड़ा जैनिज्म का टेंपल भी है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि जैनिज्म का एक बहुत ही बड़ा टेंपल कहाँ पर है, तो श्रवणा बेगोला में है जहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य अपने लास्ट डेज मतलब मौत के करीब डेज जो है वहीं पर, बेलगोला बोलते हैं, सॉरी एक एल मिसिंग हो रहा है, बेलगोला, ठीक है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द पेमेंट लाइबिलिटी एंड द अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स, ये किसके ऊपर लाइक करता है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन, इसके हिसाब से ये है कि हर एक के मामले में आदाय दीवक मतलब कि लाइबिलिटी किसके ऊपर स्थित होता है। तो ये वह व्यक्ति जिस पर यह अधोरित किया गया है, अधिरोपित मतलब कि द पर्सन ऑन विच इट हैज़ बीन इम्पोज्ड। मैं थोड़ा हिंदी कोशिश कर रहा था, तो आंसर इस तरह है, द पर्सन जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है टैक्स को, ऑन होम इट हैज़ बीन, ऑन होम इट हैज़ बीन इम्पोज्ड, बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो पानी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्म को या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये लीव्स में ही होता है, लीव्स में अगर हम लोग सुबह सुबह में देखेंगे पत्ता के ऊपर हाथ फेर के, तो वाटर वेपर टाइप का एक दिखाई देता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है ये ट्रांसपेरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि लीव्स में ही होता है। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस में, अजोला वर्ड, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आगे बढ़ते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं चैनल पे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग ट्रिक का वीडियो जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, कल। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू, तो ये रिफर्स करता है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ग्रोथ, बिग योर पार्डन, थोड़ा कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम
कैपिटा इनकम, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रियल इनकम, ठीक है, यहाँ पर रियल इनकम होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना ग्रोथ हो रहा है उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पावर्स में से है, ठीक है. बुद्धा डाइड इन द एयर, बुद्धा जो डाइड किया था वो 483 बीसी में डाइड किया था. ये एयर को आप याद कर सकते हैं, दो क्वेश्चंस इसी एयर से रिलेटेड है. एक तो बुद्धा डाइड इन द एयर पहला, नेक्स्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो भी 483 बीसी में हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. तो ये क्या हुआ, ये एयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ. इसमें से दो बड़े बड़े क्वेश्चन निकलने, एक जिसमें बुद्धा मरा और दूसरा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में हुआ था. हम लोगों ने एक ट्रिक किया था, राज वैशाली को पाटलिपुत्र से कश्मीर ले गया, तो वो ट्रिक को भी आप जाके ट्रिक सेशन में देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, विच फॉलोइंग लेक इज नोन एज हनी मून लेक. तो ये लेक जो है इसको हनी मून लेक बोलते हैं, इसका नाम है लेक टिटिकाका. आंसर जो है इसका नाम है लेक टिटिकाका, ठीक है. लेक टिटिकाका को हनीमून लेक बोलते हैं क्योंकि ये जो है फेवरेट स्पॉट है हनीमूनर्स के लिए, जो शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं उसको हनीमून बोलते हैं. तो ये बहुत ही फेवरेट स्पॉट है जो कि एंडीज में पाया जाता है, बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया, साउथ अमेरिका में है. मेन बात ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है. ये लेक टिटिकाका का एक और क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर के पास ही पड़ता है ये लेक टिटिकाका, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, तो इनसाइड एन एटम क्या होता है, लेस देन जीरो होता है. इसका आंसर जो है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज लेस देन जीरो. क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो विद इन द एटम होता है वो टोटल एनर्जी को जो देता है वो लेस देन जीरो इसीलिए होता है, क्योंकि नेगेटिव है तो माने क्या हुआ, जीरो से कम है तभी तो नेगेटिव हुआ, ठीक है. आगे बढ़ते हम लोग, फॉरेस्ट इन साइलेंट वैली ऑफ केरला, केरला में जो साइलेंट वैली है वो कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है या एग्जाम्पल है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ट्रॉपिकल या रेन होगा, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है साइलेंट वैली ऑफ केरला में, ठीक है. हम लोगों ने इस वैली के बारे में भी पढ़ा था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के ट्रिक्स के सेशन में आपने देखा था कि इसका था केरला के एग्जाम्पल में, रवि प्यार में साइलेंट हो गया, ई रवि कुल्लम था, प्यार से था पेरियार जो कि केरला में है, और साइलेंट माने साइलेंट वैली था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे ट्रिक्स को देखिए, एक से एक ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा, कल भी दूंगा इंशाल्लाह, एक बहुत ही हेवी ट्रिक आने वाला है आप लोगों के पास. हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर है कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश इसका पूरा नाम है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो आयोडीन टेस्ट जो होता है वो डिटेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को. यह आंसर लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, इसको डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है. हम लोग और 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा सेशन ओवर हो जाए. हमारा आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन का, 19 नंबर क्वेश्चन, अ पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन अ जग फिल्ड विथ वाटर, पानी पूरा ऊपर तक का भरा हुआ है, द मोमेंट द आइस मेल्ट्स, तो क्या चेंज होता है, तो वो वाटर का जो लेवल है वो अनचेंज रहता है. वाटर लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है,
विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहांगीर इसका आंसर है। और इनफैक्ट इसका अगर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो जहांगीर के टाइम पे टोबैको स्टार्ट हुआ था और यही फिर बैन भी कर दिया था। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन इन 1974 इन इंडिया वॉज कंडक्टेड एट, ये पोखरान में हुआ था, पोखरान टेस्टिंग, पोखरान जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसका डेट भी आप याद कर सकते हैं, आजकल क्या हुआ कि कंपटीशन जो है टफ होते जा रहा है। अब जो है 1974 मोस्ट ऑफ अस वी नो दैट, सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट कम्प्लेक्स एंड दे आस्क द डेट, विच डेट डिड दिस इवेंट टुक प्लेस। तो आप याद रख सकते हैं 18 मई को हुआ था, राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सीट फॉल्स एम्प्टी, तो ये CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है प्रेसिडेंट, अगर हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का फॉल जो है सीट एम्प्टी पड़ जाता है। एम हिदायतुल्ला पहले ऐसे प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, हिदायतुल्ला सबसे पहले बने थे ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का सीट एम्प्टी पड़ गया था। ठीक है, प्लेउरा इज द कवरिंग ऑफ, प्लेउरा हमारा लंग में कवरिंग होता है। ठीक है, कवरिंग मतलब फैट टाइप का एक होता है जो प्रेजेंट रहता है लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ, इसके बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डिस्कस हुआ है, जनरल साइंस में भी हम लोगों ने इसका एक रिलेशन याद किया था कि वन लाइट एयर इज इक्वल टू, सॉरी, वन पार्सेक के ऊपर एक था, वन पार्सेक जो कि सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, 3.26 लाइट एयर था, है ना, और एक लाइट एयर का क्या डिस्टेंस है वो हम लोग मीटर में भी निकाले थे, आप लोग जनरल साइंस के वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी सोलर पूछता है कभी लूनर पूछता है, तो सोलर में आप हमेशा उल्टा याद रखिएगा कि मून जो है इन बिटवीन अर्थ एंड सन आ जाता है। एक याद रखिए कि सन जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, सन जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, मेन होता है अर्थ और मून का, सोलर इक्लिप्स में है आपका यही केस होता है, मून जो है सामने आ जाता है, हालांकि नाम सोलर है मतलब सन होना चाहिए, लेकिन सन में इसमें कोई नहीं है, अर्थ और मून ही रिप्लेस होता है। सोलर के टाइम में मून बीच में आएगा, अगर लूनर पूछेगा तो उसमें आपका अर्थ बीच में आ जाएगा, मून इधर रहेगा, सन एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। होप सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स बार बार आता है, रिपीट करता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा उसमें ट्रिक के बारे में हम लोग बताएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस।